जहाँ पे आपको ड्रिप इरिगेशन की पाइप छोटी वाली फिट करनी है वहाँ पे इस तरीके से इसको छेद लेना है। ये देखिए यहाँ पे ये छेद हो गया। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडियन फार्मर चैनल में। किसान भाइयों, आज का सीन कुछ ऐसा है, आज हम अपने आए हैं पॉली हाउस पे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं पॉली हाउस में पूरी फसल ख़त्म हो चुकी है। तो फसल हमारी कलर मिर्च हम लोगों ने यहाँ पे लगाई थी, अभी हम दिसंबर का लगाने का प्लान कर रहे हैं दोस्तों। तो फसल जब हमारी यह ख़त्म हो गई तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि जो भी इरिगेशन सिस्टम प्रणाली इसमें लगी है वो हम लोगों को निकाल के अच्छे से रखना पड़ता है, उसका रख रखाव करना पड़ता है। तो दोस्तों उसमें कुछ कटकुट हो जाती है, कहीं पर ड्रिप इरिगेशन फिर से उसको जोड़ना पड़ता है, या दोस्तों नई इरिगेशन सिस्टम भी जोड़नी पड़ती है। तो कुछ हम लोगों को एसेसरीज उसकी जानकारी नहीं रहती, इसको क्या कहते हैं, छोटी चीज़ को क्या कहते हैं, टी को क्या कहते हैं, मतलब कैसा रहता है, क्या नाम पता हो तो वो चीज़ नहीं पता रहती। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं पूरा ड्रिप इरिगेशन की जो एसेसरीज़ हैं उसको कैसे पहचानना है, उसको कैसे फिट करना है। इसके अलावा दोस्तों आप ड्रिप इरिगेशन फिटिंग चाहे सब्सिडी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज हम केवल बात करने वाले हैं एसेसरीज़ के बारे में। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो जो है आपको पूरा देखना है, किसान भाइयों तक शेयर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारी ड्रिप इरिगेशन हम लोगों ने जो यहाँ पर लगाई है, ये तो हम लोगों ने डुअल लाइन पर यहाँ पर बिछाई है। उसके बाद हम लोगों ने जो सबलाइन बिछाई है, दोस्तों सबलाइन यानी क्या होता है कि मेन लाइन से जो छोटी लाइन बिछाते हैं उसको सबलाइन कहते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी बिछाई गई है और इसी सबलाइन में जो है हम लोग छोटे छोटे पाइप ये 16 mm के 20 mm के जो भी ड्रिप इरिगेशन के रहते हैं वो कनेक्ट करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने मेन कनेक्शन दिया गया है, 3 इंची की पाइप हमारी आई है, वहाँ से 2 इंची की हम लोगों ने सबलाइन लगाई गई है। यहाँ पे कूलर वगैरह हम लोगों ने लगाया है लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोई काम का नहीं है। तो दोस्तों आप इसके बारे में अगर वीडियो चाहते हैं कि पॉली हाउस में टेम्परेचर मेंटेनेंस कैसे करना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। दोस्तों आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछिए, आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उसके बाद दोस्तों यूट्यूब पे कमेंट जितना चाहे उतना आप जल्दी करेंगे आप मुझे समझ में आएगा किस टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे बताया कि मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि जितना वो उसके बारे में वीडियो लेके आऊँ। आज हम बात करें केवल एसेसरीज़ के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसेसरीज़ में ज़रूरी क्या होता है। तो हमारे कुएं से जहाँ से पानी उठ रहा है दोस्तों वो पाइप होती है, पाइप जो होती है 3 इंची की पाइप होती है, किसी की 2.5 की, किसी की 2 की होती है। उसके बाद उस पाइप के आगे जो लगा रहता है उसको कहते हैं दोस्तों फुटबॉल, ये फुटबॉल इसको कहते हैं। हालाँकि ये खेलने वाला फुटबॉल नहीं है लेकिन इसको कहते हैं फुटबॉल क्योंकि इसके अंदर जो है एक पैक रहता है, ये जब पानी खींचता है तो ये खुलता है, पैक होता है खुलता है, तो इस तरीके से ये रहता है। जब खुलेगा तो ये देख सकते हैं इसमें आर पार पूरा दिखाई देगा। तो ये मोटर पे एयर ना पकड़े और पानी पूरा बराबर एक पाइप में पकड़े रहे इसीलिए ये रहता है, ताकि इसको नीचे लगाया जाता है, इसको फुटबॉल कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इस फुटबॉल पे जो है गंदगी अंदर ना जाए तो इस तरीके से जाली आती है, तो इस जाली को भी लगाया जाता है। तो ये बारीक बारीक चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आपके आप तो फिल्टर्स तो लगाते ही हैं दोस्तों, अगर फिल्टर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको दिखेंगे कि कौन सा फ़िल्टर बेस्ट है, कौन सा लगा सकते हैं। तो ये भी लगाना ज़रूरी है क्योंकि जो भी कुएं से गंदगी आगे जाती है वो ना जाए, वो रुकी रहे। तो ये देखें इस तरीके आप इसको अंदर डाल के फिट कर सकते हैं, ताकि क्या है कि इसके अंदर पूरा गंदगी, बड़े बड़े कंकड़ वगैरह रहते वो आगे नहीं जाएंगे, आपके मोटर में नहीं फंसेंगे, आपके ड्रिप इरिगेशन में नहीं फंसेंगे। अब इसके बाद दोस्तों इरिगेशन सिस्टम में एसेसरीज़ में सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये जानते हैं, ये सबलाइन जो होती है मेन होती है, उसके बाद ये छोटे छोटे हॉल्स वगैरह लगते हैं, ये 2 इंच के 3 इंच के जो भी आपने सबलाइन बिछाई है। उसके बाद जो ड्रिप इरिगेशन में ड्रिप जो है ये आप जानते ही हैं, 16 mm 20 mm आउटलाइन क्या होता है, इनलाइन क्या होता है, फिर से एक मैं दोहराता हूँ, चैनल आप देख लीजिए आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये तो ये देख सकते हैं 16 mm की जो है ये आउटलाइन है, इस पर कोई कुछ नहीं है, केवल ये पाइप है, इसमें से पानी पास होता है, इसमें छेद लेके बटन्स लगाने पड़ते हैं इस तरीके से। अभी हम आगे देखेंगे कैसे लगाया जाता है इसको। उसके बाद दोस्तों ये जो हम लोगों ने पाइप ली है, अब इस पाइप में ड्रिप इरिगेशन फिट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को छेद लेना पड़ता है। इसमें ज़रूरी चीज़ हम लोगों को पड़ती है दोस्तों, अभी हम लोगों ने ये अमेज़ॉन से मंगाई है, हमारी खो गई थी तो ये चीज़ को हम लोगों ने अभी फोल्ड के देखा, तो ये जो है ये इसको कहते हैं ड्रिप होल कटर दोस्तों। ये देख सकते हैं ये 16 mm का है ये, तो इसको क्या करना है कि हम लोगों को पाइप पे मान लीजिए छेद लेना है।
इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे छेद लेना है, जहाँ पे आपको ड्रिप इरिगेशन की पाइप छोटी वाली फिट करनी है वहाँ पे इस तरीके से इसको छेद लेना है। ये देखिए यहाँ पे ये छेद हो गया। अब ये दोस्तों मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ड्रिप इरिगेशन, आप खुद से इसको अच्छे से फिट कर सकते हैं, आपको लेबर ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बुला के उससे सीखने के उसको चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ। इसके अलावा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें, आप एक बार वीडियो देखिए ये आप खुद ही समझ जाएंगे। अब दोस्तों इसमें ओपन ग्रोमेट फिक्स करना पड़ता है इसलिए कि पाइप से पूरा पानी बाहर ना आए, तो ये चीज़ जो देख सकते हैं दोनों तरफ से इसमें होल है, इसको कहते हैं ओपन ग्रोमेट दोस्तों। ये देखिए तो इस ओपन ग्रोमेट को यहाँ पर फिट करना है। ये देखिए ये ओपन ग्रोमेट यहाँ पे फिट हो गया, ये 16 mm का हम लोगों ने छेद लिया, 16 mm का ओपन ग्रोमेट फिक्स किया। अब हम लोग यहाँ पे 16 mm का ये टेकअप इसके अंदर डाल देंगे। ये देख सकते हैं इसको कहते हैं टेकअप, मतलब ये पानी को अंदर से आगे पास करेगा। तो इसके अंदर हम लोगों ने 16 mm का टेकअप इस तरीके से इसका थोड़ा पानी इसको लगा देना है। अभी मैं इसको पानी लगाता हूँ थोड़ा, अब इसको जो थोड़ा पानी लगा दीजिए, ऑयल लगा दीजिए, उसके बाद इसको अंदर डाल दीजिए और इस तरीके से दबा दीजिए। बस ये देख सकते हैं इस तरीके से ये फिट हो गया। इसको कायदे से तेज़ी से दबाना पड़ता है, अगर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से दबाने कहीं पाइप जो है चिटक ना जाए पूरा, तो थोड़ा इसको ध्यान से दबाइए, थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए या पानी लगा दीजिए, दबा दीजिए कस के। तो ये हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रोमेट ओपन लगा, टेकअप लगा। अब सीधा हम लोगों को कुछ नहीं करना है, 16 mm के मान लीजिए हम लोगों ने पाइप ली है, ये पाइप यहाँ पे फिट कर दीजिए, ये काम बन गया और यहाँ से पानी आगे सप्लाई चालू। बड़ा आसान है, इस तरीके से फिट कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए इससे अलग कुछ नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, या अगर आपको बीच में इसके 16 mm का वॉल फिट करना है, ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से इसको फिट कर सकते हैं। ये देखिए 16 mm का वाल इसी में फिट कर दीजिए। अगर आपको पानी आगे देना है तो इसको चालू रखिए, अगर नहीं देना है तो इसको बंद कर दीजिए। मान लीजिए एक आध लाइन में पानी आपका ज़्यादा गिर रहा है, ये देखिए एक आध लाइन में आपका पानी ज़्यादा गिर रहा है, तो वहाँ पे आपको पानी नहीं गिराना, तो इसको बंद कर दीजिए, पानी नहीं गिरेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है 16 mm में भी आती है, 20 mm में भी आती है। तो आपको अगर 20 mm की ड्रिप इरीगेशन है तो मटेरियल आपको 20 mm लगेगा, और 16 है तो 16 लगेगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पे ये जॉइनर लगता है, ये जॉइनर इसलिए लगता है, ये दोनों तरफ से जो है ड्रिप को कनेक्ट करता है दोस्तों। अगर मान लीजिए यहाँ पे कट पड़ गया है आपका कोई कारण की वजह से, तो ये दोनों तरफ से ड्रिप इरिगेशन को आपके जोड़ता है। एक साइड से इसको फिट कर दीजिए और ये चूड़ी चढ़ा दीजिए, बस ये आपका काम बन गया। इधर आगे पाइप इसको लगा दीजिए, एग्जैक्ट हो गया। तो जॉइनर भी आपको लेना ज़रूरी पड़ता है। अब दोस्तों उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ क्या आती है, एंड कैप। एंड कैप मतलब क्या होता है कि आपकी जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन पाइप ख़त्म हो गई है उसको पानी रोकना है, तो इसको इस तरीके से अंदर डाल देना है, अंदर डाल के इस पाइप को मोड़ देना है, मोड़ देने के बाद इसको इसके अंदर डाल देना है, तो इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। पानी यहाँ पर एंड हो गया तो वहाँ पर रुक गया, तो आपकी ड्रिप इरिगेशन में गिरने लगेगा। अब दोस्तों आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, आप अगर इनलाइन ड्रिप यूज़ करते हैं, जैसे कि मेरे खेत में अभी यहाँ पे लगी है, तो इसको अंदर से होल है, ये देखिए ये देख सकते हैं, इसको इनलाइन कहते हैं, अंदर से होल है, ये मेरा 1.25 फीट पे होल है। अगर दोस्तों आपकी आउटलाइन है तो आपको सबसे ज़रूरी क्या होता है कि आपको ड्रिप इरिगेशन में होल लेना पड़ता है, तो होल लेने के लिए आपको ये छोटा सा ये टोचन आता है इस तरीके से। ये सारी चीज़ें दोस्तों अगर आपको लोकल मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, नहीं है तो अमेज़ॉन वगैरह पे देख लेंगे, वहाँ पे मिल जाएगी, मैं भी कुछ मंगाता हूँ, मिलती लगती है मुझे ज़रूरी। तो इस टोचन से दोस्तों क्या करना है कि इसमें ऊपर छेद कर देना आपको जहाँ चाहिए। आप अगर आप फ्रूट वगैरह फसलें करते हैं वेजिटेबल, ये देखिए इस तरीके से होल हो गया। इसको खोल करने के बाद ये हमारे पास अभी 8 लीटर वाला है, मतलब 1 घंटे में 8 लीटर पानी गिराता है, ये जो बटन है देख सकते हैं दोस्तों, इसको यहाँ पर फिट कर देना है। ये हो गया देखिए, ये इस तरीके से इसको फिट करना है, ये पूरा हो गया। इसी तरीके से अगर आप पानी ज़्यादा गिराना चाहते हैं तो आप 14 लीटर वाला फिट कर सकते हैं, ये देखिए जहाँ आपको मन है वहाँ पे पानी गिरा सकते हैं।
ये बटन्स का समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपका किसी कारणों की वजह से ये बटन निकल गया, मान लीजिए अभी टूट गया, गिर गया किसी कारण की वजह से, अगर आप यहाँ पे बटन नहीं लगाना चाहते, अगर इसको बंद करना है, तो एक स्टॉपर भी आता है दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टॉपर है, इस टाइप का ये स्टॉपर रहता है। इस स्टॉपर को क्या करना है कि इसी होल में डाल देना है, ये देखिए बड़ा पैक हो गया, अब इसमें से पानी भी बाहर नहीं आएगा, समझ भी नहीं आएगा। फिर से दूसरा होल कहीं पे भी लेके आप इसको ड्रिप फिट कर सकते हैं आसानी से। अब दोस्तों इसके बाद क्या है कि अगर आपने मान लीजिए गलती से कहीं पे ऐसा इस तरीके से छेद ले लिया, कभी कदार गलती हो जाती है, ये मेरे से मान लीजिए हो गई है अभी गलती, यहाँ पे मैं छेद ले नहीं चाहता, तो इसमें क्लोज ग्रोमेट एक आता है, ये देखिए इसको क्लोज ग्रोमेट कहते हैं, ये 16 mm का है, तो मैं इसको बंद कर दूंगा तो यहाँ पे ये कैप लग जाएगा, ये तो आपका यहाँ पे खर्चा भी नहीं होगा दोस्तों, दोबारा आपको पाइप वगैरह लेने की नहीं, सॉकेट की ज़रूरत नहीं है, आपको ये क्लोज ग्रोमेट से ही आपका ढक्कन यहाँ पे लग गया, तो काम फिनिश ही है अभी अच्छे से। अब दोस्तों ये एसेसरीज जो है बड़ी छोटी छोटी है लेकिन बड़ी काम की है। इसके बाद ये देख सकते हैं ये छोटा सा टी है, सॉरी एल्बो है, इस एल्बो के द्वारा आप पानी कहीं पे भी घुमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये टी है, ये देख सकते हैं ये छोटा सा, ये टी के द्वारा आप पानी इधर से फिर इधर ले जा सकते हैं। ये 20 mm का है, इसमें 16 mm का आता है। जो भी मैं एसेसरीज दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा हूँ सब 16 की आती है, 20 की भी आती हैं, आपने जो भी ड्रिपिकेशन बिछाई है उसके द्वारा आप वहाँ पे ले सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं। ये एक दोस्तों एंड कैप आती है, ये एंड कैप पेप्सी ड्रिप के लिए आती है, वो पेप्सी ड्रिप मतलब हल्की रहती है एकदम, उसके अंदर डाल दीजिए और चढ़ा दीजिए और यहाँ पे एंड हो जाता है पानी का। रेड्यूसर टी आता है, एक 20 mm का रहता है, आगे 16 mm का रहता है। मान लीजिए आपने 20 mm की ड्रिप बिछाई है, 20 में लगाइए और आगे 16 भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग इतनी सारी एसेसरीज है दोस्तों। उसके बाद ये सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों ये है फ्रेश हॉल। अब ये किस लिए होता है, क्योंकि जहाँ पे आपकी ये सिस्टम ख़त्म हो जाती है, मतलब ये सब लाइन, वहाँ पे आपको ये फ्रेश हॉल इस तरीके से लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि आप जब भी इरिगेशन करते हैं पानी कंटिन्यू देते रहते हो, जो भी ये मेन पाइप में जो गंदगी फंसी है आप इसको इस तरीके से खोल दीजिए, यहाँ पे इससे ये खुल जाएगी, देख सकते हैं ये खुल जाने के बाद यहाँ से पूरा गंदगी बाहर निकल जाएगा। मान लीजिए आपने इरिगेशन करते समय इसके अंदर जो भी टुकड़ा गिरा वगैरह है, आगे से फ्रेश हॉल खोल दीजिए, पूरा गंदगी निकल जाएगा, फिर इसको बंद कर दीजिए। हर महीने 15 दिन पे इसको फ्रेश हॉल खोलते रहिए, निकालते रहिए, और ये हॉल तो आप ही जानते ही हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इस तरीके से पूरी इरिगेशन के छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें देखी हैं। इसमें नया कुछ नहीं है, जो 16 में है वही 20 में है, वही रेड्यूसर है, टी है, एल्बो है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्टॉपर हैं। देखिए एक इरिगेशन सिस्टम ऐसी है कि वो ख़राब नहीं होती है, अगर ख़राब भी हो गई तो आप ये छोटी छोटी एसेसरीज़ का यूज़ करके आप उसको अच्छे से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसीलिए मैंने वीडियो दिखाया है आपको, आज बनाया है, क्योंकि मैंने काफ़ी देखा कि इरिगेशन सिस्टम जो है किसान भाई हमारे एक बार यूज़ करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं और फेंक देते हैं, फेंकना नहीं है उसको, फिर इस तरीके से जॉइनर वगैरह का यूज़ करके उसमें लगा के फिर से उसका काम बनाना है, फिर से उसका काम चलाना है, जितना हो सके उसको पूरा यूज़ करके फिर उसको स्क्रैप में डालना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आज मैंने दोस्तों खास करके एसेसरीज़ का ये वीडियो, आपको पता चले कि इसको क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, ये ओपन ग्रोमेट हुआ, इसका लोगों को नाम नहीं पता है टेकअप का इसीलिए। तो दोस्तों आज का वीडियो मुझे कैसे लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है। धन्यवाद।